हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे बेसिक कैलकुलेशन सीरीज की वीडियो नंबर 7, जिसमें हम सीखेंगे कि आप कैसे डेसिमल नंबर्स को किसी भी 10 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो बिना एक्चुअल कैलकुलेशन को करे। यानी आपको एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन का जो सम होता है वो करने की ज़रूरत नहीं है, एक्चुअल डिवीजन का सम करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ओरली आंसर देना आ जाएगा 2 मिनट के अंदर। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना क्या करना है, ये बहुत हेल्प करेगा आपको। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं या कोई भी बच्चा है जो इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है, इको पढ़ता है, या आप कोई भी साइंस वगैरह के क्वेश्चंस करते हो, उसमें ये बहुत आता है। डेसिमल्स के साथ आपको बहुत उलझना पड़ता है और उसमें मोस्टली क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स वगैरह सॉल्व करते हो तो मोस्टली आपके 10 के मल्टीपल्स में चीज़ें दी होती हैं, तो वहाँ पे एक सॉल्यूशन जो है आपका डायरेक्ट आ जाएगा, टाइम नहीं लगेगा, वो टाइम को थोड़ा बचाता है ये, बस कॉन्सेप्ट थोड़ा एक बार पता होना चाहिए। तो ध्यान से देखो कैसे करना है। सबसे पहले मैं मल्टीप्लिकेशन सिखाती हूँ, बहुत इजी है। जब भी आपको किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है, मान लेते हैं एक जगह हम ले लेते हैं 4, एक जगह ले लेते हैं लेट्स से 0.4, एक नंबर ले लेते हैं 13 पॉइंट लेट्स से 0.65, कुछ भी ले रही हूँ मैं रैंडम नंबर्स, एक जगह ले लेते हैं हम 17.002। ठीक है, आपको समझाने के लिए, तो मान लेते हैं मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ पहले, फिर 100 से, फिर 1000 से, एंड देन 10,000, ऐसे आप कितना भी कर सकते हो। ठीक है, तो ओरली आंसर लिखेंगे। ओके, 4 को जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आता है 4 10 40। ठीक है, अब प्रॉब्लम कहाँ होगी, जब 0.4 को 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ध्यान से सुनना, 0.4 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो ये जो पॉइंट है ना, जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो पॉइंट है मल्टीप्लिकेशन में टुवर्ड्स राइट शिफ्ट हो जाएगा। कितने प्लेस, उतने प्लेस जितने यहाँ पे ज़ीरो है। ठीक है, अगर यहाँ पे एक ज़ीरो है तो इस पॉइंट को उठाकर एक प्लेस आगे शिफ्ट कर दो, टुवर्ड्स राइट। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करते टाइम राइट में शिफ्ट होना है, ये ध्यान रखना बस। तो अगर आप 0.4 का ये पॉइंट उठा के यहाँ शिफ्ट कर दोगे तो ये हो जाएगा सिर्फ 4। अब यहाँ पे पॉइंट अगर इधर चला गया 4 के बाद, तो 0 लगाने की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो 4 आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही देखो इस केस में भी हुआ था, 4 × 10 जब हम करते हैं तो 4 का मतलब है 4.0। ठीक है, 10 का एक ज़ीरो है, ये पॉइंट आगे जाएगा, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा, तो 40 आ गया ना आंसर, 4 0 40 हो गया ना, तो इसीलिए 40। ठीक है, ऐसे ही 13.065 है, ये 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 के बाद पॉइंट है, इसको उठाकर एक डिजिट यहाँ शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा 130.65। आई होप ये समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी है। अब एक्चुअल में मल्टीप्लाई करके भी देख लेना, यही आंसर आएगा। ठीक है, अब है 17.002, तो 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, एक ज़ीरो है तो एक प्लेस आगे बढ़ा दो, तो ये हो जाएगा 170.02। ठीक है, नेक्स्ट 100 से मल्टीप्लाई करना है, अब 4 × 100 करना है मान लो, तो देखो 4 की जगह पॉइंट कहाँ पे है, 4.0 लिख सकती हूँ 100। अब इस पॉइंट को आप दो प्लेस, यहाँ 100 में 2 0 है ना, दो प्लेस आगे बढ़ा दो, तो ये कितना हो जाएगा 4 0 and 0, तो ये 4 के आगे पॉइंट यहाँ है, ये दो प्लेस आगे चला जाएगा तो 400 आएगा। ठीक है, जहाँ पे भी कोई नंबर नहीं है वहाँ आपको 0 लगाना है। नेक्स्ट देखो बहुत ध्यान से, ये 0.4 था, 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 ज़ीरोज़ हैं, इस पॉइंट को दो प्लेसेस आगे भेज दो, तो आंसर आएगा 40। दो प्लेसेस कैसे आगे भेजा देखो फिर से, 0.4 × 100 करेंगे, ये पॉइंट 0.4 से दो आगे जाएगा, 1 and 2 पोजीशन, तो ये हो जाएगा 4 0 and पॉइंट, तो 40 आया ना आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 13.065 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है तो 1 and 2 पोजीशन आगे, तो इसका आंसर आएगा 1306.5। ऐसे ही इसको अगर मल्टीप्लाई करना है तो एक और पॉइंट आगे भेज दो, 1700.2। ठीक है, सिमिलरली 1000 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें 3 ज़ीरोज़ हैं, तो आप इस पॉइंट को 3 आगे भेज दो, तो ये हो जाएगा 4000। इसको भी 3 आगे भेजोगे तो 0.4 को 3 प्लेसेस आगे, तो देखो ध्यान से मैं इधर लिखती हूँ, 0.4 को 3 प्लेसेस आगे, तो 1 2 and 3, जितनी प्लेसेस में कुछ नहीं है वहाँ 0 लगा दो, तो आंसर आएगा 400। ऐसे ही यहाँ पे 13.065 को 3 प्लेसेस आगे भेजो, 0.5 के पास आ जाएगा, तो 13.3065.0, या इसको लिख नहीं भी लिखो तो भी चलेगा। ठीक है, ऐसे ही ये
ये हो जाएगा आपका 1700 2.0, या 0.0 को नहीं भी लिखो तो भी इट इज़ फाइन। नेक्स्ट देखो, इसमें ये हो जाएगा 40,000, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, अब ये खुद करना, ये हो जाएगा 4,000, ये भी आगे चला जाएगा, तो 1 3, अब देखो कितने प्लेसेस आगे भेजना है, 4 प्लेसेस, तो 1 2 3 एंड 4, तो जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ 0, तो 1 3 0 6 5 0, राइट। ऐसे ही ये हो जाएगा 1700 2 एंड कुछ नहीं है तो एक और 0। इसको एक्चुअल में मल्टीप्लाई करके देखना, कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम, मल्टीप्लाई जितने जितने मल्टीपल से कर रहे हैं, यानी 10 से कर रहे हो, 100 से कर रहे हो, जितने 0 हैं उतना पॉइंट को राइट की तरफ शिफ्ट कर दो, दैट्स इट। जहाँ पे कोई डिजिट नहीं है वहाँ 0 लगा दो, ठीक है। अब देखते हैं डिवीजन कैसे करना है। मैंने यहाँ पे पहले से कुछ नंबर्स लिखे हैं जिसमें मैं आपको डिवाइड करना सिखाऊंगी, अब ध्यान से देखना। मान लो आपको 168.2 को 10 से डिवाइड करना है, तो 168.2 में पॉइंट अभी यहाँ पे है, जब भी हम डिवीजन करेंगे तो जितने जीरोज होंगे उतना प्लेसेस पॉइंट मूव करेगा, लेकिन टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। तो 10 से डिवाइड कर रहे हो, ये डिवीजन है, 10 से डिवाइड कर रहे हो, तो पॉइंट लेफ्ट में मूव करेगा एक प्लेस, क्योंकि 10 के पास एक ही जीरो है। तो आंसर क्या आएगा इसका, 16.82, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये 13.68 है, इस पॉइंट को एक पीछे भेज दो, क्योंकि डिवीजन हो रहा है तो ये लेफ्ट में मूव करेगा एक डिजिट, तो 1.368 इसका आंसर है। इसी तरह से ये करेंगे, 0.7 का एक प्लेस पीछे कर दो, तो यहाँ 0.07 हो जाएगा। अब पॉइंट हम अकेला नहीं लिखते, तो यहाँ 0 लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब ये थ्री सिंगल नंबर 3 है, तो 3.0 होता है एक्चुअल में नंबर, है ना, पॉइंट यहाँ पे होता है, जब कहीं पे भी नहीं है तो पॉइंट बाद में है, तो जब हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो पॉइंट एक पीछे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.3। अब पॉइंट को अकेले नहीं लगाते तो 0.3। ऐसे ही अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे इसी नंबर को, ये नंबर्स ऊपर हैं, ऊपर वाले देखना नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। 168.2 को आप मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो डिवाइड करोगे 100 से, तो 2 पोजीशन पीछे लेफ्ट में चला जाएगा, तो कहाँ आएगा, 1 और 6 के बीच में, तो 1.682 इज़ योर आंसर। इसी तरह से ये 2 पॉइंट पीछे जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.1368। इसी तरह से ये भी 2 पीछे जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.0, ये देखो 1 एंड 2, तो 0.02 आएंगे, ठीक है, 0.07। इसी तरह से 3 के पीछे जाएगा, तो ये हो जाएगा, देखो 1 एंड 2, तो ये हो जाएगा 0.03। इसी तरह से 1000 से करो। अब 1000 से मैं यहाँ थोड़ा बताती हूँ, 168.2 है, इसको 1000 से डिवाइड करना है, तो 3 जीरोज़ हैं, तो 3 डेसिमल पीछे भेज दो, 1 2 एंड 3, ठीक है, तो पॉइंट यहाँ आएगा, तो पॉइंट अकेला नहीं लगाते तो आपको लिखना होगा 0, तो 0.1682, ठीक है। इसी तरह से ये हो जाएगा 0.01368, ये हो जाएगा 0.0007, एक और 0 बढ़ गया, क्योंकि पॉइंट अब कहाँ चला गया, 3 प्लेसेस उधर चला गया, ठीक है। इसी तरह ये हो जाएगा 0.003। ये वाला आप मुझे खुद कमेंट बॉक्स में लिखो, इसके आंसर्स क्या होंगे, मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों को समझ आ गया है। बहुत प्रैक्टिस करना, बहुत इजी है, ओरली आंसर्स निकाल सकते हो, ये समझाने में इतना टाइम लग रहा है, जब आप खुद से करोगे समझ के, ये इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, आपका डायरेक्ट हाथ चलेगा और आप बस लिखते रहोगे, ठीक है।